गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 25 सितंबर 2020 की क्लास 9th की मैथ्स की और साइंस की वर्कशीट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर आप एक ही वीडियो बनाया करो, तो हमने मैथ्स और साइंस की वीडियो जो है वो एक ही बनाई है। तो पहले हम मैथ्स सॉल्व करेंगे और फिर साइंस हिंदी मीडियम में। वर्कशीट नंबर 36 है और बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को नापते हैं कि इस पे एरिया कितना है, कितने कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसे कहा जाता है कि वो क्षेत्रफल है। और परिमाप इसका उल्टा होता है, परिमाप उसकी परिधि को कहा जाता है, उसके किनारे। जैसे आप फ़ोन देखिए तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन की चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई को यदि आप नाप लें तो वो आपके फ़ोन का परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों, आप विभिन्न आकारों की आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हो। आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जमा करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो लंबाई भी एक बार और होती है, चौड़ाई भी एक बार और होती है, तो इसको 2 बार हमें जमा करना पड़ेगा, इसीलिए हम एक बार जमा करते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। आगे है आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल की बात करो तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ गए? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। लंबाई या चौड़ाई मापने के लिए मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। आप अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है तो किलोमीटर में भी नापते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लेके और जापान की लंबाई नापूँ, दूरी नापूँगा, तो मैं किलोमीटर में नापूँगा। यहाँ से अगर आगरा की दूरी नापूँगा तब भी किलोमीटर में नापूँगा, लेकिन अगर घर नापूँगा तो मीटर में नापूँगा, क्योंकि घर छोटा होता है। क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने के मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इत्यादि लिया जाता है। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्रफल का, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आध 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई को लिया जाता है। बेटा अगर त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जो जहाँ पर समकोण बना होता है, अब एक तरीका तो ये जो इन्होंने लिखा मैं पढ़ के समझा दूँ, दूसरा तरीका ये कि मैं आपको ईजी ट्रिक समझाऊँ, तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। नीचे वाले को कह दो बी और इसको कह दो पी, ये हो गया आपका आधार, और ये वाली ऊंचाई उल्टा कर दोगे तब भी आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। समझ रहे हैं? इन्होंने क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू ए बी, यानी कि ये वाली साइड इंटू बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जो आपके सामने लिखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा भी 10, देखिए ये भुजा भी 10, ये भुजा भी 10 और ये भुजा भी 10। अगर पूरी 10 है तो पीछे बीच लाइन खींच दी, आधी हो गई 5, फिर पाइथागोरस लगाया। ये देखिए पाइथागोरस लगाया, डी जी बराबर डी ई का स्क्वायर माइनस ई जी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा कि ये जो डी जी है इसका मान निकाला, और फिर फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अभी एक नीचे क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। मैं आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन को ट्रिक से कराऊंगा, ये इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाक से आंसर निकलेगा। पर वो बात की बात है, पहले अभी अगला पार्ट समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR को देखो। अब ऊपर वाला तो समबाहु था, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर, और नीचे वाला था समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। तो जहां दो भुजाएं बराबर होती है, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो दो भुजाओं के लिए तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे बदल जाता है वो भी आपको बताएंगे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। उसके लिए क्या करना है कि जो बराबर भुजाएं हैं उनको रखा यहाँ, और नीचे जो अबराबर, जो बराबर नहीं है उसको रखा।
बीचों बीच हम दिखाएंगे कि हमने लम खींच दिया और फिर उसको दो हिस्सों में बांट के, और जैसे ऊपर सॉल्व किया था इसका इसकी इसका मान निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। कैसे निकलता है वो सीधा क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन है वो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज जैसा ही है। आगे वो हमें बोलते हैं कि यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु इसमें हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरो का सूत्र लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में तो हीरोन सूत्र कहते हैं, हिंदी में उन्होंने कह लिया हीरो का सूत्र। बड़े हो गए हीरो के बारे में पढ़ रहे हैं, का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे, तो अगली बार देखेंगे कि हीरो का सूत्र कैसे लगता है, अभी तो फिलहाल नॉर्मल सूत्र देखते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज है मतलब ऐसा त्रिभुज है और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अगर ये समबाहु है इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के, तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, तो 12 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूँ सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है वो है √3/4 ए स्क्वायर, और ए का मतलब क्या है, ए बराबर भुजा, जो त्रिभुज की भुजा है उसको हम ए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए यानी कि 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो सॉल्व करने पे आएगा √3 × 12 × 12/4। काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हरे पेन का, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, तो क्या निकल गया हमारे पास, क्षेत्रफल आ गया 12 × 3 = 36 √3 cm². अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर रूट में सॉल्व मत करो, ठीक है बेटा, तो √3 की जो वैल्यू भी होती है, अथवा इसी क्वेश्चन को रूट की वैल्यू लगा के अगर सॉल्व करना चाहो तो क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, क्षेत्रफल √3 की वैल्यू 1.732, और इसको गुणा करोगे जब 36 से तो आपका आंसर आता है 62.35 cm². ये आ गया आपका आंसर। तो मुझे लगता है ये आंसर तो समझने में आपको किसी को दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपने हमारे साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं फिर इसका। अब बेटा सेकंड पार्ट में कोई ट्रिक नहीं है, सेकंड पार्ट तो पूरा सॉल्व करना है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले, समान भुजाएं 10 तो 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है जी आपकी 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, कलर चेंज करते हैं पेन का, मैंने बीचों बीच खींची एक लाइन और जो ये 16 था ये दो हिस्सों में बट गया, तो ये वाली भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा भी हो गई 8 सेंटीमीटर की। नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या सॉल्व करना है, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस लगाने पर, तो पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस लगाने के लिए बेटा मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी साइड क्या है। ये है मेरा एच, ये बन जाएगा मेरा बी और ये बन जाएगा मेरा पी। पी मतलब परपेंडिकुलर लम, बी मतलब बेस आधार, और एच मतलब हाइपोटेन्यूस कर्ण। फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर जमा
पी का स्क्वायर। अब निकालना क्या है, पी निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पी हो जाएगा अंडर रूट एच, कितना है एच की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो पी आ जाएगा मेरा अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, और 8 का स्क्वायर 64। तो पी आ गया अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का मतलब कितना होता है 6 सेंटीमीटर। अब ये तो निकल गया हमारा सेंटीमीटर, हमारा निकल गया एडी। अभी निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं कहता हूँ त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल सीधे सीधे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है बी सी, गुणा ऊंचाई कितनी है ए डी। तो क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार की वैल्यू है 16, पूरे बी सी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 16, गुणा ए डी कितना निकाला था हमने 6। तो 2 से काटेंगे, और काटने के लिए हरा पेन, 2 एकम 2, 2 8 16। तो क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया 8 × 6 = 48 cm². ये है आपका आंसर। चलिए, साथ साथ आपने नोट डाउन किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको होगी नहीं। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो अगली आपकी वर्कशीट है विज्ञान की, साइंस की, उसमें लिखा है दीदी गति का तीसरा समीकरण ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त या व्युक्त किया जा सकता है। तो दीदी कहती कि ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वे एक निश्चित दूरी तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या व्युक्त किया जाता है, और गति के पहले और दूसरे समीकरण में टी की विलुप्तिकरण करने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो तीसरा समीकरण है वो हमारा गति और स्थिति समीकरण है, जो गति को स्थिति के साथ निश्चित करता है कि कितनी दूरी तय करी, त्वरण क्या था, गति कितनी थी। तीसरे समीकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तीसरे समीकरण में समय यानी कि जो टाइम है वो नहीं होता। अब ग्राफीय विधि से अगर हल करना हो तीसरे समीकरण को, तो एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग ग्राफ लीजिए, जैसे कि ये ग्राफ, पिछली 2 वर्कशीट से हम यही ग्राफ देख रहे हैं और यही ग्राफ को दोबारा देखना है। एक्स अक्ष पर लंब बी सी खींचिए। अब देखिए, ये जो लंब खींचा है इसमें दूरी जो वस्तु है उसकी जो गति है वो ए से शुरू होती है और बी तक जाती है। तो ये हो गया आपका यू, ये पूरा हो जाएगा आपका वी। ये सब हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। अभी आगे देखते हैं कि दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग को समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण ए से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो जाता है। तो ये सब आपको समझाया मैंने अभी। यहाँ प्रारंभिक वेग OA और अंतिम वेग BC द्वारा तथा समय अंतराल t OC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो OA BC और OC, ये आपका u है, ये आपका v है और ये आपका t है। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है, इस OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OABC का क्षेत्रफल S बराबर, अब देखो OABC का क्षेत्रफल है, OABC एक ट्रेपीजियम है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा कि ऑपोजिट साइडें जो समांतर भुजाएं हैं उनका सम, उनका योग गुणा ऊंचाई OC, और भाग कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा S बराबर U जमा V बटे में 2 इंटू T। अब T का मान तो हमें निकालना है, तो T का मान निकालेंगे इस समीकरण से V बराबर U जमा AT से, और T का मान आ जाएगा V माइनस U बटे में A। S हो गया V प्लस U V माइनस U बटे में 2A। तो ये V प्लस U और V माइनस U, देखिए ये U प्लस V लिखा है, इसको उल्टा करके V प्लस U भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होगा।
वी प्लस यू, वी माइनस यू, क्या बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a जो यहाँ लाल निशान की बिल्कुल ऊपर दिख रहा है ये चला जाएगा वहाँ और गुणा होकर हो जाएगा 2as। ऐसे ही एक उदाहरण उन्होंने सॉल्व करने के लिए हमें कहा था, मतलब सॉल्व कर रखा है। वो कहता है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, त्वरण का मतलब होता है विपरीत गति से उसकी गति कम होगी और 2 सेकंड में रुक जाएगी, तो कार कितनी दूरी तय करती है। तो उन्होंने तीसरा समीकरण लगा के इसको सॉल्व किया। ऐसा ही तीसरा समीकरण लगा के हम भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तीसरा समीकरण और अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहले देख लेते हैं कि अभी क्या क्या हमें बोला है। तो पहला क्वेश्चन है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो पहला तो ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और तीसरा है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, और दूसरा है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से विरूपित कीजिए। तो ये आपके सामने जो हो रखा है और ये जो ग्राफ है ये उसी का है, तो ये आपका दूसरा उत्तर बनेगा। समझाया मैंने आपको अभी अभी है, समझ तो आपको आ ही गया था, तो आपको इसका आंसर भी इससे अपने अपनी वर्कशीट से यहीं से इसका आंसर लिख लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ अलग से कॉपी कर लिया है। तीसरे प्रश्न में वो कहता है एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो अगर विराम अवस्था में है तो U उसकी आरंभिक गति जीरो हो जाएगी। पाँच मिनट में, तो पाँच मिनट टाइम दे रखा है टी बराबर पाँच मिनट, अब बात वही है हमें मिनट में तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सेकंड में चाहिए, तो पाँच गुणा साठ कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 300 सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब अंतिम गति v क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए, पहला त्वरण निकालना है। तो पहले पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है, तो v का मान मुझे दे रखा है, v का मान है 10, तो ये हो गया 10 बराबर u का मान है 0 जमा a, तो मुझे निकालना है, और t हो गया मेरा 300, तो ये हो गया 10 बराबर 300 a, तो a का मान हो जाएगा 10 बटे में 300, काट के हो जाएगा 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या कहा, कार द्वारा तय की गई दूरी निकालो। तो सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। अब v का मान कितना है 10, 10 का स्क्वेयर माइनस u का मान है 0, तो 0 का स्क्वेयर बराबर 2, a कितना है, a तो मुझे दे नहीं रखा, हमने निकाला है 1/30, और s मुझे नहीं दे रखा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 2/30s। ये s इस तरफ आएगा, तो 100 इंटू 30/2 इक्वल टू s, 2 × 2 = 50, s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1500 मीटर, आपका आंसर। तो बच्चों हमने साइंस की वर्कशीट के भी दोनों क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, मैथ्स की भी सारी वर्कशीट सॉल्व कर ली। मुझे लगता है आज की हमारी सारी वर्कशीट हो गई हैं। ऑनलाइन क्लास साइंस की कल शाम को 9 बजे यानी कि फ्राइडे शाम को 9 बजे होगी, तब मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी बच्चों एंड स्टे सेफ।